सो गुड इवनिंग एवरीवन। पीएम किसान, विच इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस स्कीम। मोस्ट ऑफ यू, आप में से ज्यादातर लोगों ने, इनफैक्ट सभी लोगों ने इस स्कीम के बारे में सुना होगा। एंड आई बिलीव कि आपको इतना पता है कि इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं एक साल में इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2019, सो एंड सो फॉर। बट इन टुडे सेशन आई विल ब्रिंग टू यू सम मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस स्कीम पीएम किसान। कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको आज जानने को मिलेंगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होंगी ही, इसके अलावा वी विल डिस्कस सम मोर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड इन योर नबार्ड एग्जाम। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेली सेशन एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द कोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, हम उसको नहीं छोड़ सकते बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ रिविजन क्लास। सो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन तो करना ही है, उसके अलावा वी विल एड ऑन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम? वेरी इजी ऑब्जेक्टिव, एज द नेम सजेस्ट। वॉट इज द फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ओके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विच मीन्स, किसान मीन्स वी ऑल नो इज फार्मर। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, फार्मर, ठीक है। किसान मीन्स वॉट? फार्मर। एंड निधि मीन्स वॉट? फाइनेंस। फाइनेंस, और यू कैन से द मनी, एनीथिंग यू कैन से रिलेटेड टू फाइनेंस। सो किसान निधि, फार्मर, फाइनेंस, विच मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये जो फाइनेंस है, ये किस तरीके का फाइनेंस है? ये असिस्टेंस है, ये लोन है, ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंस इज दिस? इज इट अ लोन? इज इट अ फाइनेंशियल असिस्टेंस? इज इट अ फाइनेंशियल सपोर्ट? क्या है ये? सो बेसिकली गाइस, इट इज जस्ट अ फाइनेंशियल सपोर्ट, और यू कैन से द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑल द फार्मर्स। और ये क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस है, बेसिकली इट इज नॉट अ लोन। ये गवर्नमेंट के तरफ से दी गई फाइनेंशियल असिस्टेंस है टू ऑल द फार्मर्स जो भी एलिजिबल होते हैं to get the benefit under this scheme. Okay, so I hope the objective is clear, and objective I assume कि आपको already पहले से पता था. Okay, so objective क्या है इसका? Objective है इसका farmers को, जो भी eligible farmers है उनको financial assistance देना, that's it. Financial assistance which they are calling as सम्मान राशि, the government is calling that financial assistance as सम्मान राशि they are giving to the farmers. Okay. Now, ministry, of course, I should not tell you that the ministry is the Ministry of Agriculture or Agriculture and Farmers Welfare, headed by Narendra Singh Tomar. Now, beneficiary part, guys, is something interesting. Beneficiary part जो है इसका, वो थोड़ा सा interesting है. पहली बात ये है कि all the farmers' families, इस word पे ध्यान रखना, families, farmers' families, irrespective of the size of their land are eligible. इन्होंने यहाँ कह दिया all the farmers families irrespective of their land size holding वो eligible होंगे to get the benefit under this particular scheme. Okay, सारे farmers eligible होंगे. अब यहाँ पे farmers की family की जो है ना, उसकी definition बता दी इन्होंने कि farmer की family की definition क्या होगी. ये जो हम यहाँ पे word use कर रहे हैं, farmers families, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ठीक है, वो भी जरूरी है. सो हियर द टर्म, द वर्ड फैमिली इंक्लूड्स फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन हु ओन्स कल्टीवेबल लैंड. एक फादर, एक मदर, एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनके माइनर बच्चे. माइनर बच्चे होने चाहिए, इस पर याद रखना, एंड माइनर चिल्ड्रन. ओके, अगर मेजर हो जाते हैं तो इन दैट केस ये वाली राशि नहीं मिलती है. तो फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन who owns cultivable land as per the land records of the concerned state or UT. और major हो जाने पर भी, अगर children major हो गए हैं, 18 के पार हो गए हैं, तो उसके बाद भी कई ऐसे clauses हैं जिसके अंदर सम्मान राशि और ये financial assistance मिलती है और कई में नहीं मिलती है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा deep है, उसमें हम नहीं जाएंगे. So husband, wife and minor children is the definition of the family which is defined here. Okay, so I hope this is clear. All the farmers' families are eligible irrespective of their land holding size. Okay. Now, there are some exclusions also. Exclusion bhi honge, of course, ab sare farmers ko thodi de denge. Bhai, ab main
लेट अस से कि मैं हूँ और मेरी कोई एक गवर्नमेंट जॉब है और मेरे फादर फार्मर है, तो अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो मेरे फादर को इट इज वेरी यू नो बेसिक थिंग कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ओके, सो देयरफॉर देयर आर सम एक्सक्लूजन कि जिनको इसके एलिजिबिलिटी से बाहर रखा गया है. तो वो कौन है? ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जितने भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं उनको बाहर रखा गया है फ्रॉम द एलिजिबिलिटी, दे आर आउट ऑफ द एलिजिबिलिटी. देन इनकम टैक्स पेयर, इफ अ पर्सन इज पेइंग इनकम टैक्स देन ऑफ कोर्स, अगर इनकम टैक्स में, तो यहाँ पे ये है कि अगर फैमिली में से कोई भी इनकम टैक्स पेयर है तो भी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, दैट फैमिली विल नॉट बी एलिजिबल. ओके, बिकॉज हेयर दे आर सेइंग ऑल फार्मर्स फैमिलीज, दे आर नॉट सेइंग ओनली द फार्मर्स, दे आर सेइंग फार्मर्स फैमिली. इफ देयर इज एनी पर्सन इन द फैमिली हु इज पेइंग इनकम टैक्स, देन दैट फैमिली विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट अंडर दिस स्कीम. प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सी एक्सेट्रा, एनी पर्सन इन द फैमिली हु इज अ प्रोफेशनल, ठीक है, एनी पर्सन इन द फैमिली हु इज अ प्रोफेशनल, तो उस फैमिली को बेनिफिट नहीं मिलेगा. देन सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और पीएससीज, यहाँ पे एक और एक्सक्लूजन है. सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सबको एक्सक्लूड किया गया है एक्सेप्ट एमटीएस क्लास 4 इन ग्रुप डी इंप्लॉयज. अगर कोई एमटीएस इंप्लॉय है, कोई क्लास 4 इंप्लॉय है या फिर कोई ग्रुप डी इंप्लॉय है, तो दैट इंप्लॉय विल गेट द बेनिफिट अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. Now, moving ahead, all superannuated or the retired pensioners, जिनकी पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा है. So if a person is getting a pension of rupees 10,000 or more, और उसके पास of course पुरानी saving भी होंगी, तो I don't think कि उनको 6,000 रुपए साल के देने से कुछ खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो 10,000 रुपए तो वैसे भी ले ही रहे हैं मंथली की. मंथली 10,000 और मोर, एक्सक्लूडिंग हेयर अगेन MTS क्लास 4 और ग्रुप डी के एम्प्लॉयज को यहाँ पे एक्सक्लूड रखा गया है, मतलब उनको बेनिफिट मिला दिया जाएगा. फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अब यार सोचो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परिवार को अगर 6,000 रुपए साल के दिए जाएं तो कितना अजीब लगेगा, समझ लो. और इसी तरीके से अगर यूपीएससी के चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यूपीएससी के चेयरपर्सन हो गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ये इन लोगों की फैमिली को अगर 6,000 रुपए देंगे हम साल के, तो मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जो गरिमा है वही खराब हो जाएगी. फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और प्रेजेंट MPs, MLA, MLCs, भाई इनकी भी सैलरी अच्छी खासी होती है, इनको भी कोई जरूरत नहीं है साल के 6,000 रुपए से. इसके अलावा फॉर्मर एंड प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो चेयरपर्सन है, रिमेंबर दिस वर्ड, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के फॉर्मर और प्रेजेंट चेयरपर्सन आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम. नाउ द थिंग इज कि इतना सारा हम याद कैसे रखेंगे. गाइज, दिस इज वेरी लॉजिकल थिंग, दिस इज वेरी लॉजिकल. फॉर एग्जाम्पल, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के होल्डर्स को 6,000 रुपए साल के देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? क्या प्रेजेंट MPs, MLAs, MLCs, इनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिकॉज ये ऑलरेडी काफ़ी, मतलब इनकी सैलरी ठीक ठाक होती है, ये सफिशिएंट होते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे से चला सकें. फॉर्मर एंड प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ऑलरेडी इनकी भी सैलरी अच्छी होती है, इनके पास भी अच्छा पैसा होता है. अब इसमें यहाँ पे देखो, मंथली पेंशन 10,000 रुपए या उससे ज़्यादा है, तो अगर किसी पर्सन की मंथली पेंशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो उसको 6,000 रुपए देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इसी तरीके से ये सारी चीजें क्या है गाइस, ये यू नो अंडरशूट सी बातें हैं, तो ये सारी चीजें याद मत करने लग जाना एक एक पॉइंट करके कि हाँ ये भी ये भी ये भी, ऐसा कुछ नहीं है. और ऑब्वियसली इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है, बट यस, अगर एक्सेप्शनल कभी पूछ लिया जाए तो यहाँ पे आप लॉजिक के थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. थोड़ी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन. So this was about the beneficiaries. Now the thing is, beneficiaries कौन identify करता है? Who identifies the beneficiaries? Central government, state government या कोई अदर committee बनाई गई है, कौन है? So beneficiaries are to be identified by the respective states or UTs where that particular farmer's family is living. जहाँ पे भी उस farmer की family रह रही है, वहाँ उस state की या फिर UT की government जो है वो आइडेंटिफाई करेगी बेनिफिशियरीज को. ऑलराइट, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फार्मर्स फैमिलीज आर टू बी अपलोडेड ऑन अ पोर्टल व्हिच इज नोन एज पीएम किसान पोर्टल. पोर्टल का नाम क्या है? पीएम किसान पोर्टल, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बेनिफिशियरीज अपलोड की जाएंगी, अपडेट की जाएंगी बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूटीज. नाउ बेनिफिट्स, वी ऑल नो, रुपीज 6,000 पर एनम इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 2,000 ईच. इस पर ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सब जानते हैं. कट ऑफ डेट फॉर बेनिफिशियरीज, दिस इज समथिंग न्यू, आई होप आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा, बट अगर सुना है तो दोबारा सुन लो, नहीं सुना तो अच्छे से ध्यान से सुन लो. वट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ डेट?
सी द स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1st of December 2018। ये थोड़ी सी अजीब बात है, पहली जो इंस्टॉलमेंट थी 1 दिसंबर 2018 को चली गई थी, लेकिन इस स्कीम की ऑफिशियल गाइडलाइंस वॉज लॉन्च इन द ईयर 2019। सो इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हेन वॉज द स्कीम लॉन्च, द आंसर वुड बी 2019। इफ समवन आस्क यू व्हेन वॉज द स्कीम केम इनटू फोर्स, देन द आंसर वुड बी 1st December 2018। एंड लास्ट ईयर ही नबार्ड में क्वेश्चन आ चुका है, एक ये सेंटेंस गिवन था दैट ऑन 1st December 2018 द स्कीम केम इनटू फोर्स। So yes, this was the correct statement. So what I was saying, yeah. So 1st December 2018 से लेके 1st February 2019 के बीच में जो भी farmers eligible थे वही eligible होंगे to get the benefit under this scheme. समझ लो 1st December 2018 से लेके 1st February 2019 इस 3-4 महीने में जो भी फार्मर्स एलिजिबल थे, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1st December 2018 अप टू कट ऑफ डेट 1st February 2019 तक ही एलिजिबिलिटी डिसाइड की गई है इसके बीच की। ना वो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार हर साल तो नंबर ऑफ फार्मर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि 1st February 2019 तक एक लिस्ट बना ली गई और उस लिस्ट के ही लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इसका मतलब यह है कि 1st दिसंबर 2018 से लेके 1st फरवरी 2019 तक के बीच में अगर किसी फार्मर की एलिजिबिलिटी है, उस पीरियड में अगर कोई फार्मर एलिजिबल है तो उसको अभी भी ऐड किया जा सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैं आपको फिर से एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट अस से कि एक फार्मर है ए, ठीक है, वो 1st December 2018 और 1st February 2019 के बीच में लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ, दैट मीन्स कि उसे पहली दूसरी तीसरी इंस्टॉलमेंट उसको नहीं मिली, ठीक है। लेकिन अब उसने रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके अपने पेपर्स जमा कराए है और स्टेट गवर्नमेंट को पता चला कि हाँ ये एलिजिबल तो थे 1st दिसंबर 2018 से 1st फरवरी 2019 के बीच में, दिस फार्मर ए इज एलिजिबल, सो नाउ दिस फार्मर विल बी एडेड इन टू द लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज। ओके, so I hope this thing is clear, the cut-off date is clear, and remember no changes thereafter shall be considered for eligibility of benefit till the completion of 5 years. 5 साल तक कोई change फिर नहीं किया जाएगा, and this date is not applicable when the transfer of ownership of cultivable land takes place on the account of death. Let us say कि अगर कोई person मर जाता है, ये land है, ये A है, A का ये land है और A का बेटा है B, ठीक है, A का बेटा है B और ए की अगर डेथ हो जाती है तो जो ओनरशिप ऑफ लैंड है वो बी के पास ट्रांसफर हो रही है, तो ओनली इन दिस केस द बेनिफिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे ट्रांसफर होगा बेनिफिट कब? जब ए की डेथ हो जाएगी और ए के नाम पे जो लैंड थी वो बी के नाम पे हो जाएगी। ओके, सिर्फ यही केस में हो सकता है। लेकिन मान लो कि अब हमारे मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मान लो कि मेरी लैंड है, मैं ए हूँ और मैं पीएम किसान का बेनिफिशियरी हूँ, मुझे पीएम किसान की के बेनिफिट मिलते हैं, साल के 6,000 रुपये मुझे मिलते हैं। अब मैंने क्या करा, ये अपनी लैंड किसी को बेच दी, एक सेल डीड बना दिया, बेच दी किसी को, सेल कर दिया मैंने ये, या फिर किसी को गिफ्ट में दे दी। लेट अस से मैंने ये बी को गिफ्ट में दे दी, तो क्या अब बी को बेनिफिट मिलेगा? सो द आंसर इज नो, बी को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, और क्या ए के पास बेनिफिट बना रहेगा? नहीं, ए के पास भी बेनिफिट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अच्छा, ए के पास क्यों नहीं रहेगा? ए के पास इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि अब तो वो लैंड को ओनर ही नहीं रहा, ठीक है। तो सेल डीड, सेल हो, गिफ्ट हो, इस तरीके की चीजों में जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी लैंड की, इन दैट केस बेनिफिट विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू बोथ द पार्टीज, दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, खरीदने वाले को भी नहीं मिलेगा, बेचने वाले को भी नहीं मिलेगा, या गिफ्ट देने वाले को भी नहीं मिलेगा, गिफ्ट लेने वाले को भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ओके, ये जो बेनिफिशियरी ट्रांसफर है वो केवल एक ही केस में हो सकता है, जब ओनर की डेथ हो जाए और फिर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए उसके दूसरे किसी फैमिली मेंबर को। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, देखो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में एक बहुत अच्छी बात है जो आई होप आप में से बहुत कम ही लोगों ने सुनी होगी, अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी है, अपने आप को शाबाशी दे दो। और वो क्या बात है मैं बताता हूँ। देखो मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क में कोई बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने को है नहीं, सो दे आर सेइंग कि एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा एट ऑल द लेवल्स, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड ऑल्सो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और नेशनल लेवल पे देयर विल बी अ नेशनल रिव्यू कमेटी दैट विल रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, एंड दैट नेशनल रिव्यू कमेटी विल बी चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया।
जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होंगे, ही और शी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस नेशनल रिव्यू कमेटी। सो दिस इज थोड़ा सा अलग चलेगा यहाँ पे, ये ना तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, ना ही डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी, ना ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई भी नहीं। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को डायरेक्टली बोला गया कि आप इस नेशनल लेवल रिव्यू कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। ओके, इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन द फॉर्म ऑफ ए सोसाइटी, और इसी पीएमयू को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। एंड नाउ ये है इसके रीसेंट डेवलपमेंट्स, ये फरवरी 2021 में व्हेन दिस स्कीम कंप्लीटेड 2 इयर्स, देन पीएम किसान अवार्ड्स वर गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड दिस हैज टू बी स्टडीड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्नाटका गॉट द प्राइज बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरी। सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरी कहां पे थे? कर्नाटका में। कितने? 97% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, देन महाराष्ट्र गॉट द प्राइज फॉर इफेक्टिव फिजिकल वेरिफिकेशन एंड प्रॉम्प्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल। फिजिकल वेरिफिकेशन और ग्रीवेंस रिड्रेसल में महाराष्ट्र को प्राइज मिला। देन उत्तर प्रदेश गॉट द प्राइज फॉर फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन, बहुत ही तेजी से इंप्लीमेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश को प्राइज मिला। देन अरुणाचल प्रदेश फॉर कंप्लीटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ आधार वेरिफिकेशंस। आधार वेरिफिकेशंस में हाईएस्ट तेजी से कंप्लीशन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश गॉट दिस अवार्ड। एंड हिमाचल प्रदेश अगेन गॉट दिस अवार्ड फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। सो एक कैटेगरी में 2 स्टेट्स को मिला, हिमाचल और महाराष्ट्र को, फिजिकल वेरिफिकेशन में। आप ये कह सकते हो कि दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ हिली स्टेट्स, वाइल जो अदर स्टेट्स में महाराष्ट्र को मिला है। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द पीएम किसान अवार्ड्स। सो गाइस, दिस वाज अबाउट द स्कीम। आई होप आपको ये स्कीम क्लियर है, एंड जो भी एक दो चीज आपको नई सीखने को मिली है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ना। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको याद क्या क्या रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर दिस लिस्ट ऑफ पीएम किसान अवार्ड्स। Then you have to remember that the National Review Committee is headed by Cabinet Secretary. Then you have to remember the cut-off date, that was 1st of February 2019, starting from 1st December 2018. Then here, यहाँ पे आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, because obviously the beneficiaries are being identified by the states or the UTs, और ये आपको पहले से भी पता होगा, आपने revise कर लिया, तो I hope आपको ये याद हो गया होगा। 6000 तो पता ही है, ये वाली चीजें भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं। सो देयर आर वेरी लेस थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। अगर आप ये आज का सेशन अच्छे से देख रहे हो, तो इनफैक्ट आपको कुछ भी नहीं बचेगा जो कि आपको याद करना पड़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरीज इन फरवरी 2021। सो आई होप गाइस यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर तो यार दे ही देना चाहिए आप लोगों को। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? कर्नाटका। 97% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर ऑथेंटिकेटेड इन कर्नाटका एज ऑन फरवरी 2021। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, वही क्वेश्चन है, हु हैज द नेशनल रिव्यू कमेटी फॉर्म्ड अंडर पीएम किसान स्कीम। नेशनल रिव्यू कमेटी को कौन हेड करता है? अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा, 100% ये क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पे कभी आप डायरेक्टली सोच ही नहीं सकते कि दिस वुड बी द आंसर। ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। एंड गाइज दैट्स इट फॉर द सेशन। देखो कल का सेशन तो था, और परसों का जो सेशन था उसमें हमने 2 नई स्कीम्स पढ़ी थी। आज एक पुरानी स्कीम लाना जरूरी था ताकि आपका ओवरलोड ना हो, एंड डोंट वरी, मैं ओवरलोड नहीं होने दूंगा। और अभी कुछ खास नई स्कीम्स है भी नहीं, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर ओल्ड। उन ओल्ड स्कीम्स में हम ऐसे ही पढ़ेंगे, कुछ हर स्कीम में मैं आपको कुछ ना कुछ नई बातें बताऊंगा, और जो भी अगर कोई रीसेंट डेवलपमेंट है, सो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।